अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है, चैप्टर नंबर 3 का। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी विद इन स्पीशी या फिर अमंग स्पीशी। तो सबसे पहले स्पीशी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऐसी स्पीशीज़, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और बाद में क्या होता है कि न्यू बेबीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम स्पीशीज़ बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। तो एक स्पीशी के अंदर बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होना, इस सब को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। कहा जाता है कि 10 मिलियन काइंड्स हैं ऑर्गेनिजम्स की जो इस दुनिया में या इस अर्थ पे मौजूद है, इस ज़मीन पे मौजूद है, लेकिन अभी तक 1/3 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी जो कह लें कि उनको रिकॉर्ड में रखा गया है, उनके नाम दिए गए हैं। तो हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है, फिर हमने कहा कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, ये आपस में कोई ना कोई करैक्टर शेयर कर रहे होते हैं, मतलब एक या दूसरे के साथ कोई ना कोई ऐसा लिंक हो रहा है, एक जैसा एक करैक्टर शो कर रहा है दूसरा ऑर्गेनिज्म भी वैसा ही शो कर रहा है। तो थ्रू आउट अगर हम बात करें तो सारे ऑर्गेनिज्म्स आपस में क्या कर रहे होते हैं, वो करैक्टर्स की शेयरिंग कर रहे होते हैं। तो फिर हम ऑर्गेनिज्म्स को हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जैसा कि हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। तो प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आगे चल के हम इसको 5 किंगडम सिस्टम में भी स्टडी करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी की 2 टाइप्स हैं, फ्लोरा एंड फाना। जो फ्लोरा होता है ये ऐसी डाइवर्सिटी जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसको फ्लोरा बोलते हैं, और जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको हम फाना बोलते हैं। अब ये डिपेंड कर रही होती है, मतलब हम देखते हैं कि कुछ इलाकों में जो जानवर हैं वो ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं, मतलब ये टेम्परेचर, एरिया, एल्टीट्यूड, सोयल, इन सब चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। तो जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे जो डाइवर्सिटी होगी या स्पीशीज़ होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, जबकि जो पोलर एरियाज़ हैं वहाँ पे ये स्पीशीज़ कम होती हैं। कहा जाता है कि जब लाइफ स्टार्ट हुई थी तो वो उबलते हुए चश्मों से स्टार्ट हुई थी, मतलब ज़िंदगी उबलते हुए चश्मों से स्टार्ट हुई थी, और अभी कन्फर्म नहीं है कि मतलब कितने साल पहले जो ज़मीन पर जो ज़िंदगी थी वो स्टार्ट हुई थी। तो कहा जाता है कि 600 मिलियन साल पहले जो ज़िंदगी थी, जो लाइफ थी, वो बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे कंसिस्ट कर रही थी। तो और ये जो ज़मीन पे ये जो डाइवर्सिटी है या जो ये जो लाइफ वगैरह का जो ये जो सारा प्रोसेस है, ये 4 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन के बाद ये सब ज़मीन पे होना स्टार्ट हुआ है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये देखा कि एक एरिया में या एक जगह पे एक स्पीशीज़ की कितनी वेराइटीज़ मौजूद हैं। फिर हमने ये देखा कि फ्लोरा और फाना क्या है, मतलब अगर प्लांट्स की स्पीशीज़ मौजूद हैं और फाना जैसे एनिमल्स की स्पीशीज़ मौजूद हैं। और फिर हमने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में करैक्टर्स की शेयरिंग कर रहे होते हैं थ्रू आउट, और उसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।